राइट दिखाई दे रही है आपको? यस सर। चलिए, हमने कल आपको परमे नंबर 6.3 और 6.2 दोनों पढ़ा दिए थे। आज मैं केवल 6.4 और 6.5 को विस्तृत न बता के उसे जो सिंपल सा बताऊंगा, यह 2 दिसंबर 2020 डेट, यह है परमे नंबर। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा एक ही और के अंतःकोणों का योग प्रत्येक युग्म संपूर्ण संपूरक कैसे होता है? हिंट में बता देता हूं, दिया है क्या? ए बी समांतर सी डी और तिर्यक रेखा क्या है? पी। समांतर रेखाएं प्रश्न के अनुसार अपन ने मान लिया, उसके अनुसार उसका फिगर बना लिया। ए दे दिया इसको नाम, बी दे दिया इसको नाम, सी दे दिया इसको नाम, डी दे दिया। ही 8 कोण बनते हैं, आपको कल भी बताया था मैंने 2 प्रमेय में, आज फिर आप आपको यहां सिद्ध करवा रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, यानी कोण 4 कैसे इसको प्रूव करेंगे? देखिए आवाज आ रही थी? हाँ सर। ठीक है, इसकी उत्पत्ति है जानते हैं कि जब ए बी समांतर सी डी और तिर्यक रेखा पी क्यू है तो कोण
एक बराबर कोण पांच संगत, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक और एक पांच। हम ये भी जानते हैं कि कोण एक प्लस कोण चार, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। रैखिक कोण योग, एक और चार दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब आपने एक का मान किसके बराबर सिद्ध किया, पांच के, में सिद्ध क्या करना था, कोण चार प्लस कोण पांच बराबर एच। इसी प्रकार आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हो कोण तीन प्लस कोण छह बराबर एच। इस प्रमेय को उतार लें, इसके बाद एक और प्रमेय, वो भी आपको समझा देते। पुष्कर जी इनका विवरण कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए उसको याद रखना। सभी भैया बहन, पुष्कर जी को नहीं, सभी को कह रहा हूं मैं, किताब में कहीं भी आपको विवरण नहीं है इसका, प्रमेय का। और प्रमेय ऐसे ही होती है, प्रमेय का जो सही तरीका वही यही है, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है और इसका प्रूफ। ठीक है बेटा जी, उतारिए। रिकॉर्डिंग मिल रही है ना मेरी रोज की, मैंने एक प्रश्न किया, मेरी रिकॉर्डिंग मिल रही है रोज आपको पढ़ा रहा हूं जो। यस सर। किसी को समस्या आ जाए तो मोदी भैया उसमें से अपन उस रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं सर ने क्या पढ़ाया। सबसे बड़ी शर्म की बात हो रही मेरे लिए, और अपने यहाँ पर केवल 20 स्टूडेंट है टोटल, इसके अंदर भैया भी है बहन भी है। ऐसा क्यों नहीं जुड़ना चाहते ये लोग, नुकसान मिलेगा आगे जाके। लिया? नहीं सर। नो सर। उतारिए आराम से। बिल्कुल राजवीर जी हो गया सर, आप पापा समझ लीजिए इसे। हो गया सर। ठीक है, अगली जो प्रमेय है छह पॉइंट पांच,
समांतर की जगह दो रेखाओं को प्रतिच्छेद कर देते हैं। यहाँ 6.5 है, ये कह रहा है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले दोनों अंतःकोणों का युग्म संपूरक होता है तो रेखाएं समांतर होती है। यह सिद्ध करना है तो रेखा समांतर है। देखिए दिया है में वही आएगा, बस यहां पर ये अपन लिख देंगे ए बी एवं सी डी दो सरल रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं यहां से। रेखा पी क्यू है जो आर तथा एस बिंदु पर प्रतिच्छेद। और साथ में क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि एक ही ओर के बने दो अंतःकोणों का युग्म संपूरक है। अर्थात अपने को कह रहा है कि कोण 4 प्लस कोण 5 इसका मान 180 डिग्री है, या कोण 3 प्लस कोण 6 का मान 180 डिग्री है। आपको सिद्ध करना है क्या कि रेखाएं समांतर होती है, ए बी समांतर। बहुत सीधा सा प्रश्न है, हमें दिया है एक लैंग्वेज से कर लेंगे कि कोण 4 प्लस कोण 5 इजिकल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 4 इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री। ये कौन से नियम से, रैखिक कोण युग्म। समीकरण 1 व 2 से देखिए दोनों के RHS बराबर है तो LHS भी बराबर। 4 से 4 कट गया, कोण 1 बराबर, ये दोनों कौन सा युग्म बनाते हैं, संगत कोण युग्म, संगत कोणों का युग्म। का युग्म बना रहे। अब जब संगत कोणों का युग्म बनाते हैं तो मैंने आपको कल परसों भी बताई थी प्रमेय नंबर 9.6.3 कि जब दो सरल रेखा व तिर्यक रेखा द्वारा अलग अलग बिंदु पे काटते हैं और संगत कोणों का युग्म बढ़ते हैं तो वो रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो हम यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप लैंग्वेज लिखना चाहें तो इसको ऊपर का उतार लीजिए, मैं इसे मिटा दूं
बता लीजिए इस लैंग्वेज को, प्रश्न को। सर हाँ बेटा, सर इसमें आर तथा एस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसके नीचे वाली लाइन भी उतारनी गई है, एंगल बिल्कुल 5 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये उतारना ही ये वाली भी उतारनी। ये प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पढ़िए, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती कि इसके एक ही ओर बने दो अंतकोणों का योग, अंतकोणों का योग प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, यानी चार और पांच का योग क्या होता है, का युग्म संपूरक के बराबर होता है, तीन और चार का युग्म भी संपूरक होता है। ये दिया था पहले, इसको सिद्ध करवाया था, अब ये देखे रेखा है सिद्ध करवा रहा है, समांतर रेखा है, ये भी उतार आपने ऊपर का उतार लिया। यस सर। हाँ तो नीचे यस सर उतारते रहिए, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब क्या होगा, कि हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जब दो सरल रेखा तथा एक तिर्यक रेखा द्वारा संगत कोणों का युग्म समान है, समान है तो रेखाएं भी क्या होती है, समांतर भी क्या होती है, समांतर होती है, पता है ए बी समांतर सी एच। लीजिए इसकी जो भी चार पांच परिमिति है मैंने आपको क्लियर करवा दी, अब आप आराम से इसे उतार सकते हैं।
हो गया सर। हो गया? नहीं। हाँ आराम से उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात भी ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसकी जो प्रमेय थी, चार प्रमेय थी 6.2 में, वो मैंने आपको चारों प्रमेय क्लियर करवा दी। इसमें जो प्रमेय नंबर 6 का जो टॉपिक है 6.6 का, वो नहीं है आपके कोर्स में, एक ही रेखाओं के समांतर। ठीक है, अब जो इसके एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे, आप उतारते रहिए। कल से आपकी क्लासेस 8:30 से शुरू होगी, ये मैं आपको कह दूं। 8:30 बजे आपको लिंक से जुड़ना है और 10 बजे तक आपकी क्लासेस चलेगी, 10 सवा 10 बजे तक। सुनाई दे रही मेरी बात सबको? यस सर। हाँ सर। जिसमें 3 विषय की क्लासेस आपके रेगुलर 6 विषय चलेगी, 6 दिन चलेगी तीनों विषय की, इंग्लिश गणित विज्ञान। बोलो, हो गया? यस सर। जिनके कोई समस्या हो, 8वीं 9वीं की, 8वीं की क्लास भी 8:30 से शुरू होगी, 9वीं की क्लास भी 8:30 से ही शुरू होगी, 10 बजे तक कल को। आपको लिंक डाल दिया जाएगा, मैसेज डाल दिया जाएगा, आप अपने हिसाब से जुड़ लेना, व्यवस्था करके बैठना। सब क्या हो गया? यस सर। यस सर। चलिए आज मैं आपको इसके एग्जाम्पल में सिखाते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं हिंट दूंगा, आप उसको सॉल्यूशन करना। चैप्टर नंबर 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न अपने को कह रहा है कि आकृति में एक्स और वाई के मान ज्ञात करो और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी, ये इसका फिगर है। सर आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है अब? अभी भी आवाज कम आ रही है क्या सर? आवाज हाँ अच्छे से सर, भी नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है सर, अच्छे से नहीं आ रही आवाज। हाँ सर, बहुत कम आ रही है। सही है, सिस्टमिक प्रॉब्लम है कुछ, पहले तो आ रही थी ना आपको मेरी आवाज? यस सर। हाँ सर। आप तो इसका आंसर बताइए कि एक्स का मान कितना होगा? एक्स का मान बताइए, कोशिश करिए सर। 130 डिग्री। कैसे? 130। कैसे? 130 डिग्री। कैसे आएगा मुदित भैया? सर रेखीय युग्म में ना। हाँ, यहाँ आप इसको हल करते समय क्या क्या देखेंगे? पहले एक्स का मान निकालेंगे, हम जानते हैं
निकालेंगे x बराबर 3 × 3 = 4, y का कितना आएगा सर? 130 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण है, देखिए x का मान भी वही है, y का मान भी वही है, तो ये दोनों कौन सा युग्म बनाते हैं? एकांतर कोणों का युग्म बना रहे हैं। तो मैंने भी आपको लेंगे लिखाई थी, जब दो सरल रेखा व तिर्यक रेखा द्वारा एकांतर कोणों का युग्म समान होता है, वह संगत कोण था, यह लैंग्वेज आप लिखना, एकांतर कोणों का युग्म समान होता है तो रेखा क्या होती है? समांतर होती है। ठीक है।